नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा। विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने एक बार फिर एनडीए पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एनडीए में आपस में ही तालमेल नहीं है, तमाम दल एक दूसरे के विरोध में खड़े हैं, सभी दल सिर्फ अपने लिए चुनाव लड़ रहे हैं, फिर चाहे वो बीजेपी हो या जेडीयू या फिर लोजपा, सब सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हैं। इसका उदाहरण देखिए कि कैसे उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट में इन लोगों ने फंसा दिया है, काराकाट में किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए पवन सिंह को खड़ा किया गया है। मुकेश सहनी ने कहा कि पवन सिंह को इंडिया गठबंधन से भी चुनाव लड़ने का ऑफर मिला था, लेकिन जब पता चला कि सामने भाजपा है तो उसने नहीं लड़ा, जिसके बाद काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए वो वहां से खड़ा हो गया। मुकेश सहनी ने आगे कहा कि सभी ने आपकी नौटंकी देखी है, किस तरीके से धर्म को आप इस्तेमाल करते हैं, अपने आप को हिंदू सनातन गौ माता का रक्षक मानते हैं और बीफ कंपनी से 250 करोड़ का चंदा लेते हैं ताकि वो कंपनी और ज्यादा से ज्यादा पशु का कत्ल कर सके और आपको मुनाफा पहुंचाए। एक्चुअली वो लोगों को आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है और सब पार्टी अपने अपने लिए लड़ रहे हैं, चाहे वो LJP हो, चाहे JDU हो या BJP हो, और सब एक दूसरे को हराने के लिए लगे हैं। अब देखिए ना किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा जी को काराकाट में लोगों ने फंसा दिया। पवन सिंह जो वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं वो अपने मन से थोड़े लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनको लड़ाया जा रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी का जग जाहिर है कि उनके टॉप लेवल पे जितने भी नेता हैं उनके डायरेक्ट संपर्क में हैं। उनको तो जो महा इंडिया गठबंधन से भी चुनाव लड़ने का ऑफर था, लेकिन पता चला कि सामने भाजपा है तो नहीं लड़ा। पता चला कि सामने भाजपा है तो नहीं लड़ा, बोला कि अगर JDU रहता तो हम लड़ते हैं या LJP रहता तो लड़ते, लेकिन भाजपा है करके नहीं लड़े। यानी कि भारतीय जनता पार्टी से जो व्यक्ति इतना डरे वो कैसे वहाँ पे चुनाव लड़ेंगे उपेंद्र कुशवाहा जी को हराने के लिए। तो आपस में वो लोगों का तालमेल नहीं है और ये तो होना ही है, और उनको लग रहा है कि अभी माहौल नहीं है, हमारा बेइज्जती हो रहा है तो मंच को छोड़ के जा रहे हैं, ये कोई नई बात थोड़े है। प्रधानमंत्री के रोड शो के बाद पहले ही अब हेमंत विश्वकर्मा का एंट्री बिहार में होने वाला है, उसके बाद योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि 40 और 400 का नारा जो BJP वाले दे रहे हैं तो क्या पार कर पाएंगे, जो ये लोग नेता जो बड़े बड़े नेता जो आ रहे हैं? आप भी 400 बोलते बोलते हंसने लगे, तो हंसी का बात है। देखिए बिहार आए सबका स्वागत है, बिहार आइए, बिहार में घूमिए। मेरा एक ही आग्रह है कि सिर्फ चुनाव के समय नहीं, बाकी समय में भी आए, बिहार के लिए सोचिए, बिहारी के लिए सोचिए, बिहार के युवा के सोच लिए सोचिए, बिहार के किसान के लिए सोचिए। सिर्फ चुनाव के टाइम में सिर्फ उन्माद फैलाने के लिए आ रहे हैं तो ये सही नहीं है। आपके लिए ये सब चीज़ करने के लिए 365 दिन है और सभी ने आपका नौटंकी देखा है कि किस तरीके से धर्म के ऊपर आप राजनीति करते हैं, ये सभी ने देखा है। आप अपने आप को हिंदू सनातन कहते हैं, गौ माता का रक्षक कहते हैं, और वही बीफ कंपनी से 250 करोड़ रुपया का चंदा ले लेते हैं ताकि वो बीफ कंपनी वाला और ज़्यादा से ज़्यादा पशु को कत्लेआम करे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा आपको पहुँचाए। तो ये सिर्फ चुनाव में ये लोग ढोंग कर रहा है, ना इनको विकास से मतलब है ना विरासत से मतलब है, सिर्फ ये नौटंकी कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं। बड़े बड़े पोस्टर पर लिखा है कि विरासत भी रहेगा विकास भी रहेगा, अरे ना विकास है ना विरासत है, सब ढोंग है। आपको सिर्फ सत्ता में रहना है, गरीब पिछड़ा दलित को अधिकार को खाना है भी, सिर्फ यही भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। कभी भी भारतीय जनता पार्टी या उनके पीछे में जो पर्दे के पीछे RSS है जो भारतीय जनता पार्टी को मदद करके इस मुकाम तक लाए, कभी RSS का सोच ही नहीं है कि गरीब पिछड़ा दलित आगे बढ़े। आप आज़ादी से लेकर अब तक देखिएगा हमेशा RSS ने आरक्षण का विरोध किया, हमेशा समीक्षा करने की बात की है, मंडल बनाम कमंडल उन्होंने चालू किया। मुकेश सहनी ने आगे कहा कि ये चुनाव में सिर्फ ढोंग कर रहे हैं, ना इनका विकास से कोई मतलब है और ना ही विरासत से, मतलब सिर्फ ये नौटंकी कर रहे हैं, देश हिंदू मुसलमान करके चलेगा कि देश संविधान से चलेगा, आप पाकिस्तान की क्यों चर्चा करते हैं। अब जनता के सामने इन लोगों का ढोंग आ चुका है, सभी लोग इनके ढोंग को जान चुके हैं, कोई इनके साथ नहीं है। बीजेपी और RSS की असल में सोच यही है कि पिछड़ा गरीब आगे ना बढ़े, यही उनका एजेंडा रहा है। हमारे हाथ से पानी तक नहीं पीते, चाय भी नहीं पीते, तो हमारी बात संसद में क्या उठाएंगे। मैं सबसे अपील करता हूं कि सोच समझ कर वोट करिए। ऐसी तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहे इनसाइडर लाइव।